रुक रुक के न देख रुक रुक के, रुक रुक के न देख रुक रुक के, देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही गांजे की खेती को वैध कर सकती है। प्रदेश में फिलहाल अफीम की खेती होती है, जिसके लिए प्रदेश सरकार बाकायदा लाइसेंस देती है। अब खबर यह है कि सरकार गांजे की खेती के लिए भी अफीम की खेती की तर्ज पर लाइसेंस देने की योजना पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि गांजे का इस्तेमाल कैंसर सहित दूसरी बीमारियों की दवा बनाने में होता है। और ये हेम्प की खेती होती है, ये गांजा प्रजाति का है लेकिन गांजा नहीं है। और इसकी ऑलरेडी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यहाँ पे इसकी खेती हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट है। और दूसरा, इसका उपयोग कैंसर की दवाओं में होगा और मेडिकली इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इससे क्लॉथ कपड़े भी बनते हैं, इससे बायोप्लास्टिक भी बनती है। तो ये एक औद्योगिक चीज है और इससे एक नया उद्योग एक नई विधा मध्य प्रदेश में आएगी और दुनिया में कई सब जगह हो रहा है। तो एक गांजा खाने के लिए या पीने के लिए नहीं है, इसलिए ये योजना चल रही है। इसमें पूरा इंटरनेशनल हेल्प लगेगी, इंटरनेशनल जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात होगी उस चीज़ पर। और मध्य प्रदेश में कुछ जगह हो रही है खेती, लेकिन गांजे के रूप में नहीं हो रही है। इसका दवा में इसका उपयोग होगा, कैंसर जैसी दवा के लिए इसका उपयोग होगा और भी जो सीरियस बीमारियां उसके लिए होगा। वही बीजेपी ने गांजे की खेती का विरोध किया। बीजेपी का आरोप है कि हाल ही में शराब दुकानों के साथ अहाते को खोलकर सरकार पहले ही लोगों को आसानी से मैखाना उपलब्ध करा रही है, उसके बाद गांजे की खेती से सरकार लोगों को नशे की ओर धकेलना चाहती है। प्रदेश में अब गांजे की जो खेती है उसे वैध करने की बात चल रही है। दवाओं के लिए इस्तेमाल में होने की वजह से बताया जा रहा है कि जो दवा कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि यहाँ पे उसको वैध किया जाए। NDPS एक्ट में इसके लिए बदलाव भी किया जा सकता है। कांग्रेस मध्य प्रदेश को गजेड़ियों का और नशेड़ियों का प्रदेश बनाना चाहती है। आप दूध के दाम तो बढ़ाते हो, पर नशे का हर पदार्थ की घर तक सप्लाई हो सके इसकी व्यवस्था करते हो। आपने दारू के अहाते खुलवा दिए, आपने रिसॉर्ट्स में और वन क्षेत्र में दारू परोसी जाए इसकी व्यवस्था कर दी। अब उसके एक कदम और बढ़कर नशा ज़्यादा मजबूत हो जाए इस प्रदेश में, इसलिए गांजे की खेती मध्य प्रदेश में हो इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, अजीबो गरीब सरकार है। हम इसका विरोध करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी नियमित खेती है उसके विषय में क्या कांग्रेस की सरकार ने कोई प्रयास किया? गेहूँ सड़ गया, सोयाबीन पैदा नहीं हुआ, धान बारिश में खराब हो गई, अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई, आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया, जो हमारी रेगुलर नियमित खेती किसानी है उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। गांव परेशान, चौपाल परेशान, खेत परेशान, खलियान परेशान, किसान परेशान, और आप कह रहे हो गांजे की हम खेती कराएंगे? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश में कुछ हो नहीं सकता। फिलहाल सरकार के मुताबिक अभी योजना को अमली जामा पहनाने में वक्त है। इससे पहले अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों से बात कर पहले जमीन और हवा की जांच की जाएगी, जिसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।